हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। हमें वीडियो स्पेशली लेके आए सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के लिए, जो हमारी प्रीमियम प्लस मॉडल 2020 का एडवांस फंक्शन मॉडल है। ठीक है, इसकी वीडियो हमने पहले अपलोड की है, उसके अंदर हमने आपको डेमो नहीं दिया था, उसका फंक्शन कौन सा, कंप्रेसर बड़ा छोटा है, वो सब दिखाया था उसमें, कि क्या मॉडिफिकेशन उसमें चेंज किया हमने। ये वीडियो में हम आपको मशीन का डेमोस्ट्रेशन देंगे, इसमें से आइसक्रीम निकाल के देंगे और कितने टाइमिंग के अंदर आइसक्रीम बनता है, रेडी होता है, और आइसक्रीम रेडी होने के बाद आप कंटिन्यूसली कितना कौन निकाल सकते हो। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीपर ब्रांड है जहाँ पे आप लेने जाते हो मशीन, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले तो आइसक्रीम का क्वालिटी नहीं मिलता है। क्वालिटी मतलब कि वो आइसक्रीम खाते हो तो उसको आपको ऐसा लगता है बर्फ़ खा रहे हो, आइसक्रीम नहीं खा रहे। ठीक है, हमारी ये मशीन में टोटली डिजिटल एयर पंप सिस्टम लगा है, जो आइसक्रीम में मैक्सिमम एयर फिल करके आइसक्रीम को हल्का वो टोटली क्रीमी बनाता है। और मार्केट में जो चीपर मशीन मिलती है उसमें आप कंटिन्यूसली 4, 5 या 6 कोन निकालेंगे, वापस मशीन को कूलिंग के लिए रखनी पड़ेगी, 20-25 मिनट वापस कूलिंग करेगा, वापस 5-7 कोन के बाद वापस कूलिंग पे रखनी पड़ेगी। और कस्टमर अगर आपके शॉप पे आइसक्रीम खाने आए, 10-15 कस्टमर आए, तो उसमें से 5-6 कस्टमर को अर्जेंट आइसक्रीम मिलेगा, बाकी कस्टमर को वेट कराना पड़ेगा। वो चीज़ ये मशीन के अंदर नहीं है। ये मशीन के अंदर आप कंटिन्यूसली हैंडल दबा के कंटिन्यूसली 50 कोन भी निकाल सकते हो एक शॉट के अंदर। हैंडल दबा के छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू 50 कोन निकाल के दे देना है कस्टमर को, मशीन रुकेगी नहीं, मशीन थकेगी नहीं। कितना भी टेम्परेचर आपका क्यों ना हो, वहाँ का 45 टेम्परेचर, 50 का टेम्परेचर क्यों ना हो, लेकिन ये मशीन रिवेस नहीं जाएंगी, थकेगी नहीं ये मशीन। ठीक है, और मार्केट में जो मशीनें मिलती है वो फर्स्ट टाइम आप उसमें मटेरियल मिल्क डालते तो 20-25-30 मिनट कूलिंग लेने में करती है। वही हिसाब से अभी हमने इसके अंदर मटेरियल दूध डाला हुआ है, आप देख सकते हो इसके अंदर हमने लिक्विड डाला हुआ है, अभी लिक्विड निकलेंगे, ये देखिए ये लिक्विड निकल रहा है पूरा इसमें से, ये देखिए ये लिक्विड वापस हम इसमें डाल रहे हैं, वेनिला का हमने लिक्विड डाला हुआ है इसके अंदर। ये दूसरे हैंडल में भी हमने लिक्विड डाला हुआ है, अब देखिए ये लिक्विड हम वापस इसके अंदर फिल करेंगे। इसको हमने कूलिंग किया नहीं, आपके सामने हम इसको कूल कर रहे हैं कि आपको भी पता चले कितना टाइम लगता है इसको कूल लेने में। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रिज का बटन दबाया, फ्रिज का बटन दबाने से इसका बैकअप चालू हो जाएगा, धीरे धीरे कंप्रेसर सिस्टम चालू होएगा। यहाँ पे भी टेम्परेचर सब दिखा रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हो 8 का टेम्परेचर इसका और होस्ट इसका टेम्परेचर 27 का है। अभी कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है इसका, ये 27 का टेम्परेचर है इसके अंदर, जो यहाँ पे आइसक्रीम बनता है रोलर के अंदर, जहाँ पे आइसक्रीम बनता है उसका 27-26 हो गया। देखिए अभी डाउन हो रहा है धीरे धीरे, कितना तेज़ी से डाउन हो रहा है आप देख सकते हो पूरा। अभी 27 था, अभी थोड़ी देर में अभी ये 5 सेकेंड नहीं हुए और कितना टेम्परेचर डाउन है, सेकेंड के हिसाब से टेम्परेचर डाउन होता है। देखो 19-18, ये सेकेंड भी इससे फास्ट नहीं चलती है, उतना टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है। जब तक आपका आइसक्रीम रेडी होगा यहाँ पे पूरा कोन बन जाएगा, आइसक्रीम रेडी हो जाएगा। यहाँ पे शेप बता रहा है कितना शेप से आइसक्रीम है, 66% का शेप है इसका। अभी आपके सामने ही हमने मशीन चालू किया है, आप देख सकते हो पूरा शेक का, आप सीधा इसका टेम्परेचर गिरता है वो देख सकते हैं आप पूरा, कौन से लेवल से गिर रहा है इसका टेम्परेचर, देखिए आप एक लेवल से इसका टेम्परेचर आ जाएगा, आइसक्रीम रेडी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मशीन का ऑटोमेटिक मशीन इसका स्टॉप हो जाएगा, पूरी मशीन स्टॉप हो जाएगी। ये भी जीरो पे आ गया है टेम्परेचर, आप देख सकते हो ये -1 है, -15 -17 तक जाएगा टेम्परेचर इसका, तब आइसक्रीम अपने देखिए 68% रेडी है, 69% रेडी आइसक्रीम हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है कितना परसेंट आपका आइसक्रीम रेडी है, अभी 68% है। अभी जैसे ही 100% आइसक्रीम रेडी होगा हम यहाँ से सर्व करेंगे, निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, और मेन चीज़ है डिस्प्ले का, बहुत ये 7 इंच का हमने डिस्प्ले इसमें डाला है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन डाले हुए हैं। अगर आपको आइसक्रीम हार्ड निकालना है, स्मूथ निकालना है, ठंडा कम निकालना है, ठंडा ज़्यादा निकालना है, बबल्स ज़्यादा, एयर ज़्यादा फील करना है, एयर कम कर देना है, ये सब डिस्प्ले के अंदर आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। आपने कितना आइसक्रीम निकाला इसके अंदर से, जैसे कि आपने 50 कोन निकाला, 100 कोन, 200 कोन, 500 कोन, तो इसमें काउंट मारेगा कितना आइसक्रीम बचा है आपके अंदर, कि भाई आपके मशीन में भी 50 कोन, 100 कोन, 200 कोन और बाकी है, निकलना बाकी है, मटेरियल उतना पड़ा है कि 100 कोन निकलेगा, वो भी डिस्प्ले में शो करेगा इसके अंदर। ठीक है, कल सुबह मशीन में कोई फॉल्ट आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये डिस्प्ले में ही शो करेगा कि मशीन के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ करने की आपकी मशीन रेडी हो जाएगी, खुद मशीन की डिस्प्ले आपको ये चीज़ शो करेगी हर एक जानकारी। ठीक है, मटेरियल कम होने पर मशीन अलर्ट देगा कि आपका मटेरियल कम है, आप इसमें फिल कीजिए, मटेरियल डालिए, ऐसा आपको अलर्ट मशीन खुद देगी आपको। और ये मशीन के अंदर हमने 1.5 HP 1.5 horsepower का कूलिंग सिस्टम डाला है, जो इम्बरको कंपनी का है, मेड इन ब्राज़ील का है, जिसका 2 साल का रिप्लेसमेंट का हम गारंटी देते हैं। ये 7 इंच का जो टच प्ले है ये पूरा वाटरप्रूफ है, इसके अंदर पूरा पानी का डोल डाल दो कुछ नहीं होगा। और डिस्प्ले का हम आपको 1 साल का वारंटी देते हैं, वाटर डैमेज या किसी से डिस्प्ले में कोई इश्यू होता है, वन ईयर में पीस टू पीस नया मिल जाएगा आपको, हमारे टेक्निकल टीम आके पूरा इंस्टॉल करके पूरा नया डिस्प्ले ले जाएगी, नया डिस्प्ले लगा देगी।
तो आज की तारीख में ये चीज़ बहुत ही बढ़िया मशीन है, बहुत ही फर्स्ट क्वालिटी की मशीन है। ये मशीन आप कोई भी ब्रांड है जैसे टेलर है, फिर डेरी डेन है, ऐसी कोई ब्रांडेड कंपनी में लेने जाएंगे ना तो आपको 6 लाख 7 लाख रुपए का कॉस्टिंग आता है। जो बड़े बड़े मॉल है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, वहाँ पे लगी रहती है, ठीक है। और हमारी मशीन आपको बहुत ही कम दाम में मिलेगी। आप एक बार इंक्वायरी करिए हमारी कंपनी में, आपको इसका प्राइस मिलेगा। वो ऑलरेडी हमारा ऑफर डिस्काउंट भी चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। आप हमारा उस टाइम के अंदर कूलिंग हो रहा है उस टाइम के अंदर आप हमारी कंपनी का डायरेक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी कंपनी का नंबर है 7575050675, दूसरा नंबर है 9601298282। ये नंबर पे आप मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक कोई भी टाइम पे कॉल करके हर एक जानकारी, हर एक डिटेल ले सकते हैं। बाकी मशीन के बारे में हम आपको डिटेल दे रहे हैं। पूरी मशीन की बॉडी स्टेनलेस स्टील है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की मशीन है, ठीक है, जिसकी हमको 5 से 7 साल की हम गारंटी देते हैं स्टील मटेरियल की। ये चीज़ कॉन होल्डर है, यहाँ से आपको जितना कॉन निकालना है यहाँ से आप कॉन निकाल सकते हैं। इसके अंदर ऑटो रिमूवेबल हैंडल है, एक बार खींचने के बाद ऑटोमेटिकली वह चला जाएगा, आपको अपने हाथ से वापस इसको रिमूव नहीं करना है, वापस रिटर्न नहीं करना है अपने हैंड से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाकी सब कंपनियों की मशीनों में नहीं होती है, बाकी सब ब्रांड में नहीं होती है, जो हमारी कंपनी की मशीन में रहती है, ठीक है। और प्लस इसके अंदर हम आपको टैंक भी दिखा देते हैं, यहाँ पे बाउल चेक करके देखिए, इसके अंदर मटेरियल भरा है और प्री कूलिंग सिस्टम है। यहाँ पे पूरा टैंक में बर्फ़ जम रहा है, आइस जम रहा है, देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे हमने वेनिला डाला हुआ है, प्लस इसके अंदर आइस जम रहा है पूरा। और कितना परसेंट भरना है यहाँ से सब लेवल ट्यूब भी दिया गया है इसका, ठीक है। और ये प्री कूलिंग है, अगर रात को भी इसमें मटेरियल पड़ा है और आप नाइट मोड छोड़ के चले जाते हो तो आपका मटेरियल ख़राब नहीं होता है, आपका मटेरियल बिगड़ता नहीं है अगर प्री कूलिंग मोड पे आप चले गए इसके अंदर, ठीक है। रात को रोज़ रात को आप चले जाएंगे प्री कूलिंग पे तो ये मशीन में आपका मटेरियल ख़राब नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और पूरी मशीन की बॉडी स्टेनलेस स्टील की, आप साइड लुक भी इसका देखिए, यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे आके देखिए, ये देखो पूरा मार्केट में जो मशीनें मिलती है पाउडर कोटिंग रहती है, पूरा स्टील मटेरियल है। और ये स्टील में भी स्टेनलेस स्टील हाई ग्रेड मटेरियल है, ऐसा नहीं कि लो ग्रेड मटेरियल है 6-8 महीने में सड़ जाएगा गल जाएगा। हम 5 साल की वारंटी देते हैं ये स्टील मटेरियल की, ये जो स्टील बॉडी है इसकी हम 5 साल की वारंटी देते हैं कस्टमर को, ठीक है। और अगर यही मशीन के अंदर आपको रिपल ऐड कराना है, रेम्बो सिस्टम ऐड कराना है, जैसे कॉन के बॉर्डर में रिपल लगता है, जो बॉर्डर गिरता है, तो उसका भी एडिशनल चार्ज लगा के हम ये मशीन के अंदर आपको रिपल भी ऐड करके दे सकते हैं एज ए कस्टमर पर रिक्वायरमेंट। जो कस्टमर रिक्वायर्ड करेगा वो चीज़ हम इसके अंदर दे सकते हैं उसको अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी आप यहाँ पे भी अलग अलग डिज़ाइन का आइसक्रीम निकाल सकते हो, जैसे कि आपको हम आपको टोटल 8 डिज़ाइन देंगे अलग अलग, अलग अलग शेप है, हार्ट शेप है, पट्टी शेप है, सब अलग अलग डिज़ाइन देंगे हम आपको इसके अंदर। यहाँ पे 1, 2, 3 शेप दिया गया है, तीनों शेप में अलग अलग डिज़ाइन आपको मिलेगा, आप अलग अलग रख सकते हो, रोज़ अलग अलग डिज़ाइन बदल सकते हो, रोज़ नई नई डिज़ाइन इसके अंदर आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे आप जैसे भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 97% आइसक्रीम रेडी हो चुका है, अभी 3 से 4 मिनट हुई है मशीन चालू की हमने, 99% हो गया आइसक्रीम इसका, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे पूरा आइसक्रीम बन गया है। अभी ऑटोमेटिकली मशीन ऑफ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये -40 पे दिखा रहा है टेम्परेचर, आप देख सकते हैं। देखो मशीन बंद हो चुकी है, अभी पूरी कंप्रेसर सिस्टम बंद हो चुका है। अब हम इसमें से आपको आइसक्रीम निकाल के बताएंगे इसकी क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी निकाल सकते हो उसमें से कंटिन्यू पुश करके। आप देखिए ये हैंडल भी इसका रिमूवेबल है, ऐसे दबा के छोड़ देंगे ऑटोमेटिक रिटर्न चला जाएगा, ये देखिए चला जाएगा कंटिन्यूसली। हम इसमें से आइसक्रीम निकालते हैं, कितना निकालेंगे आपको भी आइडिया आएगा, नॉलेज आएगा, देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, अब देख सकते हो पूरा, ये उसका दूसरा हैंड है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप पूरा। एक लाइन में अगर आपके वहां कोई कस्टमर आता भी है और मशीन का कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो रिटर्न कवर करना चालू कर देगा, आपको रुकने का जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये निकालने के बाद वापस 1 मिनट के बाद आप देखिए पूरा बाउल भर गया इसका आइसक्रीम का, आप देख सकते हैं पूरा, देखिए ये वापस 81% हो गया इसका टेम्परेचर। आप ये 81% में भी और कंटिन्यू निकाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और अगर निकालना नहीं है तो विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के अंदर वापस ये 100% वापस सेप हो जाएगा, वापस आप 50 कोन निकाल सकते हैं। 30 सेकेंड 40 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट के बाद वापस 50 कोन निकालो, ये 50 वैसे कोई कस्टमर रहता है वो कंटिन्यू 50 कोन ऐसे तो निकालता नहीं है, जैसे कि कोई कस्टमर सर करता है कोन बना के कस्टमर को दिया उतना देर वोल्ट रहता है, वापस दूसरा कोई कस्टमर को दिया वोल्ट रहता है, थोड़ा 2 से 5 सेकेंड का गैप मिल जाता है, तो वो टाइमिंग के अंदर वापस से मशीन रिकवरी करता है, रिकवरिंग करता है, तो जिसके हिसाब से आप 200 500 300 कौन जितना भी कंटिन्यू है मशीन में निकालो निकाल सकते हैं। इसका 1 घंटे का कैपेसिटी है, 1 घंटे के अंदर आप 350 कौन निकाल सकते हो, 1 आवर्स 1 घंटे के अंदर,
जो पूरे इंडिया में कोई भी आप ब्रांड की कोई भी मशीन लेने जाओ, ऐसा कैपेसिटी कोई भी मशीन का नहीं है, ठीक है। और हमने लो 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 प्रोजेक्ट पे, लो इन्वेस्ट पे आपको ये चीज़ हमने करके दिया है पूरा सब चीज़ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आप इसको स्टॉप करके हम आपको बाकी का फंक्शन भी बता देते हैं इसमें। अब देखिए, अगर मशीन को साफ सूफ करना है, धोना है, तो यहाँ से वॉशिंग का बटन है, आप वॉश कर सकते हो। साफ सूफ करने के लिए वॉश बार दबाए, आपको विद इन 10 मिनट के अंदर पूरा मशीन वॉश क्लीन करके आप छोड़ सकते हैं। ये फ्रीज का बटन है, मतलब कि आपको आइसक्रीम जमाना है, रेडी करना है तो फ्रीज दबाना है। एक कीप फ्रेश है, कीप फ्रेश मतलब नाइट मोड है, अगर रात का और नाइट मोड पर अगर मशीन रखना है तो यहाँ पर आप पुश करके नाइट मोड पर चला जाता है। एक कीप फ्रेश, फ्रीजिंग टेम्परेचर -20, ऑटोमेटिकली कंप्रेसर चालू होगा 10-15 मिनट, वापस 3 घंटे बंद हो जाएगा रात को। वापस 3 घंटे के बाद जब उसको बैकअप चाहिएगा तो वापस स्टार्ट हो जाएगा, वो हिसाब से वो कट ऑफ होता रहेगा उसके हिसाब से। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे इसको सेटिंग, अगर आपको कोई इसका पासवर्ड रहता है प्रोटेक्शन, अगर आपने कोई आदमी रखा है तो अभी इसको चीज़ घुमा नहीं पाएंगे जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे। अभी हम इसके अंदर पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन है इसका, इसका पासवर्ड हम आपको देंगे बाद में। अभी यहाँ पे प्ले, आइसक्रीम कैसे बनाना है, आइसक्रीम को कैसे, हाउ टू मेक आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसे बनाना है, आइसक्रीम बनाने का रेसिपी इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। और एक रेसिपी है, मशीन को हम मिक्स इंटीग्रेंट, मिक्स कैसे करना है इंटीग्रेंट्स को, यहाँ पे इसका डिस्प्ले है, देखिए पूरा। यहाँ पे स्पेयर पार्ट मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट क्या किया और उसको कैसे काम करना है, उसको इसे अंदर से सामान निकलता है, वायरिंग वाइसर उसको कैसे साफ करना है, हर एक चीज़ इसके अंदर आपको डिस्प्ले में दिया गया है। हर एक चीज़ के फोटो, ब्राउचर, वीडियो सब दिए गए हैं, ठीक है। सेल आइसक्रीम, सेल कैसे करना है आइसक्रीम, हाउ टू सेल आइसक्रीम, यहाँ पे कितना है, ये सब गाइडेंस इसके अंदर डिस्प्ले में दिया गया है। ये डिस्प्ले का मेन चीज़ बेनिफिट वही है कि आपको हर एक चीज़, हर एक गाइडेंस ऑटोमेटिकली ये मशीन देता है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आज की तारीख में सबसे बेटर, सबसे अच्छे फीचर्स वाली ये मशीन है, जो एकदम ही मार्केट के लिए सबसे सबसे परफेक्ट मशीन है आज की तारीख में, ठीक है। और इतना कोई प्राइसिंग भी नहीं है, जैसे कि आप मार्केट में 80-90 हज़ार का लो क्वालिटी की मशीन मिलती है मार्केट में, तो उससे आपको थोड़ा प्लसिंग के जाप आप ये मशीन खरीद सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।